गए तो थे मसाज कराने लेकिन हो गया अपहरण। नमस्कार, मैं हूं नीरज मिश्रा और आप देख रहे हैं आज की खबर। दिल्ली से सटे नोएडा में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में तैनात एक वैज्ञानिक को मसाज कराना महंगा पड़ गया। वो गए थे मसाज कराने लेकिन उनका अपहरण कर लिया गया। अपहरण के बाद आरोपियों ने वैज्ञानिक की पत्नी को फोन करके 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी। वैज्ञानिक के अपहरण की सूचना मिलते ही पुलिस में हड़कंप मच गया। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने देर रात सेक्टर 35 से वैज्ञानिक को एक होटल से बरामद कर लिया। साथ ही अपहरण में शामिल एक युवती समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक वैज्ञानिक शाम को इंटरनेट पर मसाज पार्लर सर्च कर रहे थे। इसके बाद उन्हें नोएडा में एक मसाज सेंटर का नंबर मिला, जिस पर संपर्क करने के बाद उनके पास एक आदमी पहुंचा। उन्हें मसाज कराने के लिए सेक्टर 35 के एक होटल में ले गया। उन्हें होटल के एक कमरे में छोड़कर वो व्यक्ति बाहर निकल आया। इसी बीच उनके कमरे में एक युवती किसी बहाने से पहुंची। उन युवतियों के अंदर घुसने के कुछ देर बाद ही 3-4 लोग और पहुंच गए और कमरे को जबरन खुलवा कर कहा कि वो पुलिस के अधिकारी हैं। उन लोगों ने वैज्ञानिक पर सेक्स रैकेट चलाने का आरोप लगाया। बदमाशों ने उन्हें बंधक बनाकर कहा कि वो उन्हें छोड़ सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें घर वालों से 10 लाख रुपए मांगने होंगे। धमकी दी गई, जब तक पैसे नहीं आएंगे वो उनके पास बंधक रहेंगे और यदि पैसे नहीं दिए गए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इससे उनकी नौकरी भी जाएगी और बदनामी भी होगी। मसाज कराने पहुंचे वैज्ञानिक साहब डर गए। उन्होंने अपनी पत्नी को फोन किया। पति की ओर से अपहरण और फिरौती मांगने का जब फोन पत्नी को मिला तो घर में हड़कंप मच गया। पत्नी ने पुलिस को पूरी बात बताई। पुलिस ने वैज्ञानिक की तलाश में तमाम टीमें लगा दी। मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस टीम ने होटल में छापा मारा तो वहां पर उन्हें वैज्ञानिक समेत अपहरणकर्ता भी मिल गए। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने एक युवती समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस फिलहाल आरोपियों के बाकी साथियों का पता लगाने की कोशिश कर रही है, आरोपियों से पूछताछ कर रही है। तो इसलिए अगर आप भी मसाज के शौकीन हों तो इस तरह कदापि न करें। हो सकता है ये एक गैंग है और आपको भी अपने चंगुल में फंसा ले। नोएडा में इस तरह के तमाम गैंग सक्रिय है, ये पुलिस अधिकारी खुद बताते हैं। ज़्यादा जानकारी और तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज की खबर।